एवरीवन, मैं हूँ सोनल चौहान और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने आयनास चैनल में। आज की जो रेसिपी है ये मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाई है। ये महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसी रेसिपी है। इसे बैंगन की सब्जी कहते हैं या इसे महाराष्ट्र में वांगा भी कहा जाता है। इसे शादी पार्टी में भी बनाया जाता है। हम उसी तरीके से बनाएंगे आज इस ट्रेडिशनल रेसिपीज को। तो आइए अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंगन ले लिए हैं। ये जो बैंगन है यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं और छोटे ही साइज़ के लेने भी हैं क्योंकि हमें पूरा अखा इसे फ्राई करके सब्जी में बनाना है। तो मैं इसके जो किनारे हैं वो से थोड़े थोड़े कट कर लेती हूँ और इसमें कहीं कहीं कांटे होते हैं, वो कांटे भी चाकू के सहाय से काट के साइड में कर लेती हूँ और इसके ऊपर की जो डंठली है उसे भी मैं कट कर देती हूँ। अब मैं इस अक्के बैंगन के सिर्फ चार टुकड़े करने वाली हूँ। चार टुकड़े इसलिए कर रही हूँ, इसके टुकड़े इसलिए कर रही हूँ ताकि हम इसके अंदर देख सके कोई बैंगन जो है वो ख़राब तो नहीं है। ये ख़राब नहीं है, हम जैसे इसे काटेंगे वैसे ही इसे हम पानी के अंदर डाल देंगे बिकॉज़ ये तुरंत ही काले होने लगते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो बैंगन्स है उन्हें भी अच्छे से कट कर लिया है, सेम इसी तरीके से। और उसके जो कांटे हैं वो भी मैंने अच्छे से निकाल के अच्छे से साफ करके उसे तुरंत पानी में डाल दिया है। इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया और पानी में रख दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पे कुछ भुनी हुई मूंगफली ली है और एक ग्राइंडर जार में मैंने पहले से ही नारियल जो होता है कच्चा नारियल उसको मैंने ग्राइंड करके रखा था। यहाँ पे मैं मूंगफली भी उसमें डाल देती हूँ और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं पानी को ऐड नहीं करूँगी ज़रा सा भी, ये अच्छे से एक ऐसा पाउडर जैसा फॉर्म में बन जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, इसमें 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। अब मैं जो बैंगन हमने कट किए थे इसे हम तेल के अंदर डाल देंगे। थोड़ा संभाल कर डालिएगा बिकॉज इसमें अभी हमने इसमें पानी में रखा था तो ये पानी जो है वो उछलेगा। यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, थोड़ा सा हल्का सा नमक इसके ऊपर हम डाल देंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ढककर अच्छे से पका लेंगे। नमक भी मैंने डाल दिया, अब हम इसे ढक के अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे ढकना नहीं है पर ये जो पानी है वो उछल रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन उठा के इसे अच्छे से अलट पलट के एक ब्राउनिश सा कलर होने तक इसको हम अच्छे से तेल में फ्राई करते रहेंगे। ये 50% 60% कुक हो जाना चाहिए इसमें। देख सकते हैं हमारे जो बैंगन हैं ये 50% तक कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पैन से निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने पैन से निकाल लिए हैं बैंगन को, सेम उसी कढ़ाई में उतने ही तेल में मैंने अब यहाँ पे डाल दिया है थोड़े से 1 टीस्पून के करीब सरसों के दाने। अगर आपको सरसों के दाने नहीं पसंद होंगे तो आप स्किप कर सकते हो। जैसे ही अच्छे से फूट जाएंगे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा जीरा, आधा टीस्पून के करीब। और मैं इसमें डाल दूंगी अब फाइनली चॉप किया हुआ अनियन। यहाँ पे मैंने जो अनियन है ये बहुत ही बारीक कट किए हैं, इससे जो हमारी ग्रेवी होगी वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होगी। और हम इस अनियन को एकदम स्लो गैस पे पकाएंगे और ढक के पकाएंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी भी होगी। अगर हम अनियन को तेज़ गैस पे पकाते हैं तो जल्दी तो पक जाते हैं बट वो अच्छे से गलते नहीं हैं, इसके लिए हम अनियन को यहाँ पे एकदम धीमी गैस पे पकाएंगे। और जो मैंने यहाँ पे अनियन लिया था वो एक बड़े साइज़ का अनियन था, इसे मैं अच्छे से स्टर कर देती हूँ।
और इसे मैंने धीमे गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया है कुछ देर के लिए। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो तो धीरे धीरे टर्न हो रहा है ब्राउनिश की तरह। तो थोड़ा देर और हम इसे पकाएंगे। अभी आप देख सकते हो ये हमारे गोल्डन ब्राउन अनियन जो है वो हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मसालाज लिया है, 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के करीब हल्दी ले लिया है। और इसे मैंने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। मसालों ने भी जब तक तेल नहीं छोड़ा तब तक इसे हमें भूनना है। मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का टोमेटो कट करके मैं डाल देती हूँ। इसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है और मैं इसे अच्छे से कर देती हूँ स्टर। अगर आपको ऐसे लगे कि हमारे मसाले जल रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो और टोमेटो अच्छे से उसमें पका सकते हो। मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ ताकि टोमेटो जो है वो और भी पानी छोड़ देगा और मसाले जो पकने में वो अच्छे से पक जाएंगे। मैंने इसे ढक के अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मिर्च, हरी मिर्च कट करके इसमें डाल दी है और इसे ढक के मैंने अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुके हैं सारे टोमेटो और अनियन ने ऑयल जो है वो एक्सेस ऑयल वो छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जो पाउडर हमने ग्राइंडर में पीस लिया था, जैसे मूंगफली का और नारियल का। तो ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी है ये बहुत पहले से ही बनाई जा रही है। होटल में भी और शादी पार्टी में जो हम बैंगन की सब्जी खाते हैं वो सेम इसी तरीके से बनाते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब वो पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसे भी मैं अच्छे से चला लेती हूँ। थोड़ा देर इसे भून लेंगे ताकि जो नारियल और मूंगफली का जो पेस्ट मैंने बनाया था पाउडर वो भी उसमें से तेल छोड़ दे। अगर आपको ऐसा लगे कि पाउडर जो है वो कम है तो आप और भी उसमें पाउडर ऐड कर सकते हो। ये जो क्वांटिटी बनाई है मैंने, कम से कम ये 4 लोग खा सकते हैं बहुत आराम से। अब ये मसाला अच्छे से पक चुका है सारे किनारों से, आप देख सकते हो तेल छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें फ्राई किए हुए बैंगन को ऐड कर देती हूँ और इसे हल्के हाथों से मिक्स करती हूँ। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। पानी की मात्रा मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की है क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है वो थिक ग्रेवी बनानी है इसके लिए। और मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी। थोड़ा पानी डाल के फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और फिर बाद में थोड़ा पानी और मैं ऐड करूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो। आप ज़रूरत के हिसाब से ग्रेवी रखिएगा, ज़्यादा पानी ना ऐड कीजिएगा। इसमें मैंने करीब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, आधा ग्लास के ऊपर थोड़ा सा पानी यूज़ किया है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ध्यान रखिएगा जब हम टमाटो को गला रहे थे तेल के अंदर तब भी मैंने नमक ऐड किया था और जब मैं बैंगन को फ्राई कर रही थी तब भी मैंने नमक ऐड किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप नमक खाते होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक डालिएगा। और इसे मैंने अच्छे से चला लिया है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक लेती हूँ जो कि हमारे जो बैंगन है ये ऑलरेडी 50% कुक्ड हो चुके हैं तो हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने के लिए। इसे ढक के अच्छे से हम पका लेंगे। कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ढक के पकाने से हमारे बैंगन जो है वो जल्दी पक जाएंगे और आप देख सकते हो हमारी जो सब्जी है
ये बन के रेडी रेडी हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म पराठा, नान, जीरा राइस इन सब चीज़ों से खाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।